देखो इसमें सबसे पहले जैसे कि अच्छा से जो तो टायर बनाया वो शायद है ना, ये सीन सीन सेट कोई सा सीन नहीं है। सिंपल सा बना ऐसा बना दिया। अब मुझे इसमें से लाइट एमिट करनी है यहाँ से एक टॉर्च टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट लो यहाँ से, अच्छा वीरे भी एक्टिवेट नहीं है। ये तो शुरुआत है इसके अंत की। इंटीरियर आधे तरफ स्टार्ट हो गया, मैक्स की तरह आउट कर पाया वो। इंटीरियर इंटीरियर कुछ नहीं, फेस पकड़, फेस नहीं, गलती से आइसोलेट की गिरा हो गया। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होगा, ये कुछ ऐसा सा आएगा ये, और हमें यहाँ से इसको रेज निकालनी है इसके अंदर से, देखने में एकदम तो ओरिजिनल सा लगे। तो सबसे पहले इसको रेडी कर लो। तो अभी ये राउंड में है, तो इसकी लाइट को, जो लाइट है इसको भी पहले राउंड करो यहाँ से रेक्टेंगल से डिस्क, ये गोल आउटपुट देगा जितना भी है, इसको वाट में क्लियर करो यहाँ से, और कितने वाट की चाहिए, 2-3 वाट की जो भी चाहिए उतना वाट इसको पहले लाइट डिसाइड कर लो सारी, कितनी तेज को लाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइट है, लाइट के अंदर डायरेक्शनल बना हुआ रहा होगा, ये डायरेक्शनल जो है इसको ऑन करो ये, ठीक है। मतलब पहले सेट करो सब चीज़ें, ये इतने से हमारी लाइट आएगी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आओ रेंडर सेटिंग के अंदर धीरे में, ये ध्यान रखना सब लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर ना वॉल्यूमेट्रिक आएगा बना हुआ, ये वॉल्यूमेट्रिक के अंदर इसको ऐसे ऑन करना वॉल्यूमेट्रिक को, देन उसके बाद इन्वायरमेंट वॉल्यूम के अंदर इसके टैब में जाना। और जब हम वीरे की बात करें तो वीरे में आएंगे यहाँ से सीधा सीधा, वीरे में वॉल्यूमेट्रिक ढूंढेंगे हमारा ये रहा, यहाँ पर हमको मिलेगा इन्वायरमेंट फॉग, हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे और रेंडर देखेंगे तो हमको उसके अंदर फॉग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और ऐसा लगेगा जैसे सच में एक टॉर्च लाइट निकल रहा है। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो वो विजिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर डाल देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, बस सिंपल एक प्लास्टिक उठाकर डाल देते हैं कि थोड़ा शाइनिंग सा हो, ठीक है। तो हमारे पास एक पीला टेक्सचर होना चाहिए यहाँ पर, देन हम एक लाइट और लगाते हैं जिससे हम इसको देखें, बट बेसिकली दिक्कत क्या होगी कि इसमें भी रेज है और इस वाले के अंदर भी रेज आ रही है यहाँ से, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। खैर फिर भी हम क्या करेंगे, पहले हम रेज को विजिबल करेंगे। रेज विजिबल करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर से आप इसकी सेटिंग में आओ यहाँ से, या आपकी फॉग की सेटिंग है, तो जो आपका डिस्टेंस है जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना आपका ऑब्जेक्ट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा और रेज जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। बट देखो रेज इसमें भी आ रही है और इधर भी आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइट जो है कम कम हो रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी रेज थी उसको हम क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक करके इसको हम एक नेम दे देंगे फॉग, देन जाएंगे हम आउटलाइनर के अंदर सीधा सीधा, ये हमारा एनवायरनमेंट फॉग है बना हुआ रहा और ये हमारा फॉग है। तो जिस भी लाइट से आपको फॉग चाहिए आप उस लाइट को उठाओ, क्लिक करो और मिडिल माउस बटन को दबाकर रखो यहाँ से, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस पे लाके, तो क्या होगा, वो जो फॉग वाली चीज़ है वो इसमें आ जाएगी लाइट, और जो ये एक्सक्लूड हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। बट फिर भी देखना, अगर तुम इसे देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ इसका, है ना।
तो ये करने के बाद एक ऑप्शन और है, उसे ध्यान रखना है। इसे क्लिक करोगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट मोड आएगा। लाइट मोड में ओवरराइड शेप लाइट्स आएगा, इसमें से फॉग गायब हो गई। अब इसकी लाइटिंग को बढ़ाओगे यहाँ से, व्हाट्स ठीक है। अब अगर इसमें देखो, अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, वापस करूंगा इसको, तो उसे फॉग आ जाएगी ठीक है। तो ये लाइट जो है इसको ओवरराइड कर देना, तो फॉग वहां से गायब हो जाएगी। अगर फॉग का कलर कभी चेंज करना हो नॉर्मली, यहाँ से इसमें आओ और यहाँ से कलर जो भी चेंज करोगे वो उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो टोन खींच रहा है रेड उसकी लाइट का। और सनलाइट लगाओगे उसकी रेज लगाएंगे। देन दूसरी चीज में क्या है कि अगर तुमने इस लाइट को, अभी तो इसको ऐसे बंद करो एंट्रेंस का, अगर तुमने इस लाइट को किस यहाँ अंदर लगा दिया किसी स्पेयर के, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ एक्सक्लूड। अब खिड़की है, खिड़की में जाली खुली हुई है, तो रेज जो आएगी वो जाली से होती हुई आएगी, कटती कटती, तो जैसी विंडो की वैसी रेज अंदर एमिट करेगी आकर। हाँ, एक क्लास में डिस्को भी करेगी। देन अब जैसे अब तुम लोग सबने इंटीरियर स्टार्ट कर दिए है ना बनाने, तो अब जैसे कि मेरे पास इसमें देखो इजी है बहुत ज़्यादा, कि मेरे को बेडशीट रेडी करनी है इसके अंदर। अब इसमें वो तरीका नहीं है कि मैं इसको क्लिक करूं अटैच करूं, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप आओ यहाँ से, इसमें सेगमेंट इंक्रीज करो, बट ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्लॉथ है। अब यहाँ पर एफएक्स आता है बना हुआ, एफएक्स में गए, यहाँ पर क्लॉथ पर टैग अपने आप नजर आएगा, तो जिसको भी क्लॉथ करना है उसको सिंपली क्लॉथ कर दो, और जिसपे भी गिराना है उसको आप पैसिव कोलाइडर कर दो, उसी क्लॉथ के जस्ट नीचे आएगा बना हुआ या ऊपर होगा कोलाइडर। इसे चलाओगे या अपने आप गिरेगा और अपने आप शेप लेगा क्लॉथ की ये, और रोकोगे तो चलता आएगा, वो पूरा नीचे गिर जाएगा बैठ के ऊपर से। अब वो फ्रेम के हिसाब से चल रहा है, 120 फ्रेम है, अगर इसको आप बढ़ा दोगे यहाँ से 300 कर दोगे फ्रेम्स, तो वो और देर तक प्ले करता रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि नीचे फ्लोर हो, फ्लोर पे चादर, अब देखो फ्लोर होता तो चादर फ्लोर पे पड़ती, अब मैं यहाँ पे फ्लोर बनाता हूँ ये, और इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से पैसिव कोलाइडर करता हूँ, इसको वापस से रिटर्न करता हूँ इसको, फिर दोबारा गिराऊंगा, ये देखो ये बेडशीट इसके ऊपर ढेर हो गया। ठीक है, ना ना कोई टाइप नहीं, वो अपने हिसाब से खुद बनाता है क्लॉथ। अगर तुमने स्क्वायर लिया है तो बेडशीट होगा तो गिरेगा अपना खुद ही। अब ये क्या कर रहा है, ये गिर रहा है एक लड़की के दुपट्टे के हिसाब से, क्योंकि सर गोल होता है, उससे उसके हिसाब से नीचे आ रहा है सारा सारा ये। अब जैसे इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक ये है, मैं पिलो बना रहा हूँ इसके अंदर, क्लिक इसमें थोड़े सेगमेंट ले रहा हूँ ये, अप्लाई करो इसके ऊपर क्लॉथ या गया क्लॉथ। अब यहाँ पर देखो, देखो क्लॉथ के अंदर प्रेशर लगाई देगा यार, इसे खोलोगे यहाँ से हल्का सा प्रेशर इंक्रीज कर लो, बहुत ज्यादा वक्त करना, ये बहुत स्पीड से बढ़ता है प्रेशर। और न्यू प्लेस देखना है, एक ढूंढना है इसके अंदर, ये रहा, इसमें ग्रेविटी होगी, इसको ऑफ कर दे जीरो, अब फुलाना है इसको ठीक है, इतना फूला ये, और इसके अंदर क्लॉथ में आके दोबारा इसका प्रेशर बढ़ाओ, लचक दी कितनी जोर आ रही है इसकी, और फुलाना है तो इसका प्रेशर एक एक के आसपास का, मतलब देख चेक कर रहे हैं ना ये, हाँ इसकी भी मतलब अच्छे से फूलेगा, ये एकदम स्टिफ हो जाता है घूमने के बाद। और उसका भी वही है कि क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको इसका हिस्ट्री रिमूव करना, नहीं तो क्लॉथ स्केल नहीं होगा कभी भी ये। अब इसको स्केल कर सकते हो आराम से, और इसके बाद इसके जो ये एंगल्स हैं इसको पकड़ो यहां से, एक्सट्रूड ये,
शेप ले लेगा। और उसके बाद तुमको याद होगा मैंने कॉन्स्टेंट सिखाए थे, ये कब डिफॉर्म सिखा, ये याद है बैंड वगैरह है ना, तो बैंड वगैरह हिसाब से इसको तो चेंज कर सकते हो चीज, इसकी चीज़ों को। देन इसमें तीसरा क्या है, हमारे पास क्लॉथ है, हमें क्लॉथ बनाना है, जैसे कि पर्दा। अब पर्दे के लिए क्या करोगे, थोड़ा इसको स्ट्रेच रखना, इसमें सेगमेंट थोड़े ज़्यादा लगेंगे पर्दे में। और जैसे बॉक्स उसमें लगाते थे वैसी सेम बॉक्स उनको इसमें भी लगा दो। और इसको कुछ सेंटर में ये ले लो, ठीक है। अब कुछ चीजें पहले वही जैसे यूज करते हैं कि हमसे पहले क्लॉथ करेंगे क्लॉथ, और उसके बाद इसका न्यूक्लियस खोल देंगे, बनता आ गया वापस, ठीक है। एक बार देखेंगे कि गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ से वर्टेक्स मोड में आएंगे यहाँ से, ठीक है। वर्टेक्स मोड में आने के बाद सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे इसके, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और कॉन्स्टेंट में आके यहाँ पर आता है पॉइंट टू सरफेस, वो उसके साथ टिक हो गया, देखो अजीब सा हो गया वो बना हुआ। देन उसके बाद चलाएंगे तो वो लटक रहा है, ठीक है। बट अब डिफरेंस इसमें यह है कि आपको स्केल यहाँ के हिसाब से नहीं करना चला के, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्लॉथ का ऑप्शन फाइंड करोगे, एफ एक्स ये रहा, ठीक है। और इसे यहाँ से ऑन कर देना रैम प्रीव्यू को, इसे खोला वो लटका, उसे खींचोगे, एक सेकेंड दोबारा देखो आ गया, इसमें लचक ज्यादा है, देख रहे हो ना जबरदस्त लग रहा है ये। तो इसको इसके ना पहले बढ़ा के रख लो, पहले 500 कर दो इसको, ये दिक्कत देगा नहीं तो। अच्छा यहाँ से नहीं करना, गलत कर दिया, यहाँ से करना, यहाँ से ये प्ले करना, से रुकने दो, स्केप कर दिया, इसे रोका, इसका क्लॉथ रिमूव किया यहाँ से। तो क्लॉथ यहाँ से बनाओगे पर्दे का, और बाकी तो यहाँ से यूज कर ही लोगे इसके, ठीक है। ये आ गया, बाद में इसको अगर थिक करना हो तो वही जो बता रखा है हमने, एक्सट्रूड करा इसको यहाँ से, इसका थिकनेस लिया, ये पर्दा मोटा हो जाएगा, स्मूथ करेंगे ये सेट हो जाएगा सारा। बुलियन बुलियन डंडा डाल सकते हो इसके अंदर ऐसे, ठीक है।